नमस्ते। मनस्वास्थ्य और आयुर्वेद ये क्या है? आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे मनस्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है वो हम देख रहे हैं। मन के हम कर्म देख रहे थे, उसमें इंद्रिय अभिनिग्रह कर्मः मनसः स्वस्य निग्रह, मन खुद को भी कंट्रोल कर लेता है। अगर किसी किसी बात से बहुत ज्यादा हमारा मन जो है वो भटक रहा है, बहुत ज्यादा अगर विचार आ रहे हैं और कोई भी उसमें से हल नहीं निकल रहा है, बहुत सी सारी समस्याएं दिख रही है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए वो आयुर्वेद में बताए हैं। जो कुछ भी दवाई यूज करनी है ना, तो एक वैद्य जो है वो पेशेंट की नाड़ी और पेशेंट को चेक करने के बाद देता ही है, लेकिन उसमें साथ में एक नस्य करके पंचकर्म रहता है। ये नस्य पंचकर्म है, उसमें स्नेहन स्वेदरा और नस्य, ऐसा 3 स्टेप में पंचकर्म रहता है। ये स्नेहन जब भी करते हैं ना, तो इसको स्नेह जो है वो दो बातें एक साथ जुड़ने के लिए हो जाती है। तो स्नेहन होता है तो शरीर और मन जो है उसका भी संधान हो जाता है। स्नेहन जब भी होता है ना, तभी किधर तो एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए स्नेहन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो स्नेहन है ये स्पर्श चिकित्सा भी है। अगर कोई भी अपने को तार से स्पर्श करे ना, तो एक तसल्ली हो जाती है, इसके लिए ये स्नेहन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आश्वासन बोलते हैं, खाली प्यार महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आश्वासन भी होता है। तो इसको क्या, कभी कभार अगर ऐसा सिचुएशन है ना, तो कोई पैट करता है, खांदे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि अरे हो जाएगा, टेंशन मत ले लो, तो इतना जो है ना वो अगर कोई सामने वाला बोलता है तो भी विश्वास होता है अपने को कि कुछ ना कुछ अच्छा हल निकलने वाला है। तो यही है आश्वासन चिकित्सा। इसी के लिए जब भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, तभी हम पहली बात है कि उसको आश्वासन बहुत अच्छे से देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हो जाएगा, कोई भी बात है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। यानी जो आश्वासन बोलते हैं वैसे वो टाइप का वर्ड नहीं है वो। तो क्या है, तो पेशेंट की समस्या अच्छे से समझ लेना और वो समझ कर उसका अच्छा सा हल निकालना, ये बात है, उसको आश्वासन बोलते हैं। तो उससे हम पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ ये सब ठीक होने वाला है। तो इसी के लिए ये स्नेहन इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरी बात है स्वेदन, और उसके बाद में ये नस्य दिया जाता है। ये नस्य जो रहता है ना, वो नाक में मेडिसिन दिया जाता है, इसी के लिए उसको नासया दीयते इति नस्य मैसा बोलते हैं। ये जो मनस्वास्थ्य के लिए अलग अलग प्रकार के नस्य हम यूज करते हैं, ये जो नस्य रहते हैं उसमें अलग अलग मेडिसिन रहते हैं, जैसे कि सूचेखर कभी रहता है, कभी कोई घी रहता है, मेडिकेटेड सिद्ध घी रहता है, कभी उसमें बला तेल रहता है। पेशेंट के अनुसार कौन सा मेडिसिन वो नस्य में यूज करना है वो एक वैद्य तय करता है। कभी उसमें सूचेखर रहता है, कभी बला तेल रहता है, कभी कोई मेडिकेटेड सिद्ध जो रहता है वो घी रहता है। वो अलग अलग प्रकार के जो दवा है ये नस्य में यूज किए जाते हैं। ये नस्य करने के वजह से नस्य के टेबल पर ही पेशेंट के विचार जो है वो कम हो जाते हैं, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, पेशेंट जो है वो सोचने का जो उसका तरीका है वो भी बदल जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। इसी के लिए ये पॉजिटिविटी लाने में ये नस्य मदद करता है। इसके लिए अगर ऐसा कुछ तकलीफ है, अगर मन में बहुत ज्यादा विचार है, तो नजदीक वैद्य को जाके जरूर पूछिए और जरूर उसके लिए इलाज कीजिए। नमस्ते।